I'm sorry. I love you. Please forgive me. And I thank you so much. Hello, hello, hello to everyone. Welcome back to my magical, magical session, my magical, magical video, my magical, magical world. मेरा मैजिकल वर्ल्ड क्यों है? बिकॉज एनर्जी हीलिंग का जब नॉलेज आपको मिल जाएगा, एनर्जी सेशंस का नॉलेज मिल जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सृष्टि के नियम कैसे काम करते हैं उसका नॉलेज मिल जाएगा, तो हम सबकी ज़िंदगी मैजिकल हो जाएगी. और मैजिक ही मैजिक रहेगा, जो हम चाहेंगे वो होता जाएगा. ऑल गुड गुड फीलिंग्स, ऑल गुड गुड मनी, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स कमिंग योर वे, आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो जाएंगी. सो इसलिए मेरा वर्ल्ड, मेरे सेशंस, मेरा वीडियो ऑलवेज मैजिकल, ऑलवेज मैजिकल. फाइन न्यूज़, आई एम प्रिया मेहता, आई एम फ्रॉम मुंबई, इंडिया. और मैं हमेशा एनर्जी हीलिंग के ऊपर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ. और अभी रिसेंटली वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज शेयर कर रही हूँ. ग्रेट. सो हम बात करते हैं आज इन चार मेन जो सेंटेंसेस मैंने आपको बोले हैं. आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू. ये आज हम बात करेंगे फॉरगिवनेस के ऊपर, माफ़ी के ऊपर. फॉरगिवनेस क्या है? 90% लोग तो मुझे बोल देते हैं, मैम हमें तो गुस्सा आता है उसके ऊपर, उससे मेरी बनती नहीं है, मैं माफ़ी कैसे मांग लूँ उससे. सो रिमेंबर, फॉरगिवनेस जो हम मांग रहे हैं या जो हम ले रहे हैं किसी से, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमें अपने पास्ट कर्मास को सेटल करने के लिए, उस पर्टिकुलर सोल के साथ मैंने जो भी पास्ट कर्मास हैं, फॉरगिवनेस दे के, फॉरगिवनेस लेके सेटल कर दिया वो अकाउंट. अब वो इंसान आपको नहीं पसंद है, दैट इज़ नॉट नेसेसरी, यू हैव टू कंटिन्यू विद दैट पर्सन. बट फॉरगिवनेस देने से आप अपना फ़ायदा कर रहे हो, फॉरगिवनेस लेने से भी आप अपना फ़ायदा कर रहे हो. तो कभी छोटा मत समझो अपने आप को अगर आपको किसी से सॉरी मांगनी पड़ जाए. कभी छोटा मत समझो, क्योंकि अगर हम अपनी एनर्जीज का ये एक्सचेंज नहीं करेंगे, अपने अकाउंट्स को नलीफाई नहीं करेंगे, हम कोई भी नई चीज़ अपनी लाइफ में नहीं लेके आ पाएंगे. मैं अपने ओल्ड वीडियोस में मैंने एक आप लोगों को एग्जांपल दिया था, जब तक मैं अपने एग्जिस्टिंग कमरे का कचरा बाहर नहीं निकालूंगी, सपोज मुझे अपना रूम सुंदर बनाना है, तो जब तक मैं अपना ओल्ड फर्नीचर नहीं फेंकूंगी, दीवारों की पुराना पेंट साफ करके नहीं करूंगी, तब तक मैं नया पेंट नहीं कर सकती. सो दीवारें नहीं करनी है तो पुराना पेंट स्क्रैप आउट करो, नया पेंट लगाओ. रूम सुंदर बनाना है तो पुराना फर्नीचर निकालो, नया फर्नीचर डालो. तक मैं अपनी सोल का कचरा झाड़ू मार के, फॉरगिवनेस लेके और फॉरगिवनेस दे के नहीं साफ करूंगी, तब तक कोई भी चीज़, कोई भी नई चीज़, नई मैनिफेस्टेशन मैं अपनी लाइफ में ईजिली नहीं ला पाऊंगी, क्योंकि एनर्जी ब्लॉक हो गया. जब थॉट्स एनर्जी हैं, सो हर वो थॉट हमारे सबकॉन्शियस में, माइंड में बैठा हुआ है, वो भी तो एनर्जी है ना, वो भी तो एक नेगेटिव वाइब्स क्रिएट कर रहा है ना. किसी इंसान को आज से 10 साल पहले कोई इंसिडेंट हुआ और उसने कुछ गलत किया मेरे साथ और मैंने उसको माफ़ नहीं किया, और आज तक मैंने उसको माफ़ नहीं किया, आज भी उस इंसान की बात छिड़ती है तो मुझे गुस्सा आता है, मुझे वो पूरा का पूरा इवेंट माइंड में वापस रिकॉल हो जाता है, मुझे गुस्सा आता है, गालियाँ निकलती हैं. दैट मीन्स मैंने अभी तक उस इंसान को 10 साल पहले, जिसको मुझे माफ़ कर देना चाहिए था, मैं 10 साल तक उस इंसिडेंट को, उस एनर्जी को, उस थॉट को, उस फीलिंग को अभी तक खींच के लेके आते जा रही हूँ. किसका नुकसान हुआ? उसको तो पता भी नहीं है कि आपने उसको माफ़ किया कि नहीं किया. नुकसान किसका हुआ? नुकसान मेरा हुआ. 10 साल से एक नेगेटिव एनर्जी को मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने एनर्जी और हमें लेके घूम रही हूँ. तो जिस थॉट को, जिस फीलिंग को मैं 10 साल से एमिट कर रही हूँ, वाइब्रेट कर रही हूँ, तो 10 साल से मैं वही कुड़ने वाली और नेगेटिव सिचुएशंस अट्रैक्ट करती जा रही हूँ. इट इज़ दैट सिंपल. सो अगर हम किसी को माफ़ कर रहे हैं तो वो हम अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, और किसी से माफ़ी मांग रहे हैं तो भी अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं. इसलिए कोई भी छोटी सी घटना घटे आपकी लाइफ में, डेली लाइफ में, चाहे वो किसी छोटे सो कॉल्ड लोगों की नज़र में कोई छोटा इंसिडेंट है, छोटे लोगों के साथ बात करनी है, नहीं मेरे को तो पसंद नहीं है, वो तो एज में छोटा है, उसे सॉरी क्यों मांगूँ, अरे बाबा वो सब छोड़ो, दूसरे का, आपकी एनर्जी ख़राब हो रही है, आप नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हो. आपने किसी का बुरा किया, वो इंसान आपसे गुस्सा है, आपकी लड़ाई चल रही है, आपने गुस्से में लड़ाई एंड कर दी, आप वहाँ चले गए, वो वहाँ चला गया, लेकिन आपके मन में है, उसके मन में रहेगा कि इसने गलत किया है और ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है. मेरे मन में रहेगा क्यों सॉरी मांगनी, आत्मा को तो पता होता है मेरी गलती है कि नहीं है, तो लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, छोड़ना क्या सॉरी मांगनी, इसके नीचे झुकूंगी मैं, तो इट्स रॉन्ग. किसका नुकसान हुआ? आपका हुआ, क्योंकि सही उसने किया, उसको आपने समझा नहीं,
तो वो गुस्से में दर्द में गया, तो उसकी जो दर्द की और गुस्से की वाइब्रेशन है वो एनर्जी लेवल पे आपसे कनेक्टेड रहेगी हमेशा और आपके कामों में ब्लॉकेजेस लाती जाएगी। और अगर मैंने माफ नहीं किया, मेरी आत्मा जानती है कि मैंने वो सही था, मैंने अपनी ईगो में आके उसे माफ नहीं किया। सो एक तो आपने ऑलरेडी एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर ली जो आप रॉन्ग थे, दूसरा आपने दूसरी नेगेटिव एनर्जी ये क्रिएट कर ली, अगर सॉरी मांग चुके होते तो वो एनर्जी एनर्जी नलीफाई हो चुका होता, वो अपने रास्ते आप अपने रास्ते। तो यू हैव योर ओन एनर्जी पैक्ड इंटैक्ट बिना किसी किसी प्रॉब्लम के। अभी क्या हो गया, आपने अपनी एनर्जी का, अपने ऑरा का एक हिस्सा उसको दे दिया या वो ले गया। अगर आप सॉरी मांग चुके होते तो वो हिस्सा आपके पास वापस होता और कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं होती और आपके ऑरा के अंदर फॉरगिवनेस देने से जो खुशी मिलती, जो रिलैक्सेशन होती, वो आपकी एनर्जी बन जाती, तो फ्यूचर में आप पॉजिटिव और पॉजिटिव सिचुएशंस ही अट्रैक्ट करते। अब आपने गुस्से में जो ईगो में आके उसे माफ़ नहीं किया और वो बिना वो एक हार्ट हर्ट हाथ से मतलब दुखी दिल से चला गया, तो उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी आपस में कनेक्टेड ही रहेगी। सो कुछ भी हम अच्छी चीज़ें करने की सोचेंगे लाइफ में, कुछ ना कुछ लोगों को अड़चनें आती रहती हैं, बहुत अड़चनें आती हैं। तो वो अड़चनें क्यों आती हैं, बिकॉज हमें नहीं पता, जाने जाने हमने लोगों को फॉरगिवनेस नहीं दी हुई या फॉरगिवनेस नहीं ली हुई, हमने वो नलीफाई नहीं किए रिलेशंस, इसलिए हमारी एनर्जी उन लोगों से अटैच्ड है, इसलिए बहुत सारे ब्लॉकेजेस हमारी एनर्जी में हैं, इसलिए हमारी दिन दिन दिनचर्या के या डेली लाइफ के या बहुत सारे कामों में अड़चन आती रहती है और हमारे काम पूरे नहीं होते। सो अगेन, किसी को सॉरी देना और लेना में हमारा फ़ायदा है ये दिमाग में बिठा लो। इसलिए अगर आपको किसी के लिए फीलिंग्स नहीं आ पा रही है कि चल प्यार मोहब्बत से मुझे लगा कि somebody is wrong तो मेरे को सॉरी मांगनी चाहिए, इट इज़ ओके कम से कम सॉरी मांग लो उससे, बिकॉज आपकी एनर्जी खराब हो रही है। आप जो कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आप अपने आप उसमें हर चीज़ में अपना ही फायदा ढूंढोगे और आप उसको अचीव कर पाओगे। सो फॉरगिवनेस याद रखो किस चीज़ के लिए, फॉरगिवनेस इज ऑलवेज अपने पुराने ओल्ड कर्मास को नलीफाई करने के लिए है और अपने आप को फ्री करने के लिए है। सो व्हेन वी से प्लीज फॉरगिव मी एंड सेट मी फ्री और आई फॉरगिव यू एंड सेट यू फ्री, सो इसका एक मैं बहुत प्यारा रिचुअल देती हूँ जो रोज़ सुबह उठ के आप अपने बेड में ही बोलो और रोज़ शाम को सोने से पहले अपने बेड में बोलो। और वो ये, हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान जी, आज मैं ब्रह्मांड की समस्त आत्माओं से मन से क्षमा मांगती हूँ जिनको जाने अनजाने मैंने परेशान किया हो, दुख दिया हो, और उन सब से क्षमा मांगती हूँ। सो प्लीज़ फॉरगिव मी एंड सेट मी फ्री, मुझे क्षमा करो और मुझे फ्री करो, तीन बार, ओके। एंड अगेन, हे परमपिता परमात्मा, आज मैं ब्रह्मांड की उन समस्त आत्माओं को क्षमा करती हूँ जिन्होंने जाने अनजाने मुझे इस लाइफ में या किसी और लाइफ में परेशान किया हो या दुख दिया हो, मैं उन सबको क्षमा करती हूँ और उन सबको फ्री करती हूँ। ये एक्टिविटी अगर आप रोज रोज करते हो तो भले आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जब आप इस चीज़ एक्टिविटी को रोज करोगे तो आप रोज इस एनर्जी को क्लियर करते जाओगे और रोज जिन जिन लोगों से, जिन आत्माओं से अभी या किसी और लाइफ में, किसी और जन्म में, वेन एवर, बचपन से लेके आज तक हमने हर्ट किया है या हम हर्ट हुए हैं, वो हमें नहीं पता होता लेकिन हमारी सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें होल्ड रहती हैं, वो एनर्जी होल्ड रहती है जो बाद में जिसके बहुत भयंकर इश्यूज हमें फेस करने पड़ जाते हैं, जो मैं एक और वीडियो में कवर करूँगी। सो फॉरगिवनेस लो और फॉरगिवनेस दो सुबह और शाम डेली। सो इन प्रमाण की सभी आत्माओं में सब लोग कवर हो जाएंगे, जिनको हम जानते हैं वो भी, जिनको हम नहीं जानते हैं वो भी, कोई इंसिडेंट हमें याद है तो भी, कोई इंसिडेंट हमें नहीं याद है तो भी। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, फॉरगिवनेस फॉर लाइक वर्च्यू अपनी लाइफ में हमेशा के लिए ले आओ। अगर आप किसी के सामने आपको मांगने में सॉरी मांगने में शर्म आती है तो एटलीस्ट उस इंसिडेंट को, उस बहस को, उस आर्ग्यूमेंट को वहीं थाम दो, रुक जाओ, रिलैक्स होके क्विट कर जाओ अगर आपको मांगने में शर्म आ रही है, बिकॉज आपकी ईगो आड़े आ रही है या आपको हैबिट नहीं है या आपकी हिम्मत नहीं हो पा रही है या आपको शर्म आ रही है, वॉट एवर, एंड इट इज़ नॉर्मल। हर कोई इतनी जल्दी, क्योंकि हम लोग बचपन से अभी तक इस तरीके से मेंटली चार्ज्ड हैं या मेंटली व्हाट डू वी से कंडीशनड हैं, हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारी हैबिट्स ऐसी बनी पड़ी हैं, तो हमें आदत नहीं है सॉरी खुशी खुशी मांगने की, हम सॉरी नहीं मांग पाते, हमारा दिल ईगो आ जाती है, हम छोटा फील करते हैं या हमारी हिम्मत नहीं आती या हमें शर्म आ जाती है, विच इज़ नॉर्मल, विच इज़ ओके। बट अगर आप ये वाला प्रैक्टिस सुबह और शाम रोज करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, तो आपको ईजी हो जाएगा क्षमा मांगना।
और जैसे जैसे आने वाले वीडियोस में मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी एनर्जी को लेके, परमात्मा को लेके, आत्मा को लेके, आपके अंदर फिर वो भावना अपने आप मन से आएगी, आप फीलिंग के साथ। एक तो आप जब सामने वालों को प्यार ही दोगे, ग्रैटिट्यूड दोगे, जो हमारे वर्च्यूज है जो मैं आपको सिखा रही हूँ, तो ये कभी नौबत आएगी ही नहीं कि आपको सॉरी मांगना पड़े या सॉरी लेना पड़े, कभी नहीं आएगी। बिकॉज हम जब प्यार देते हैं, जब प्यार आ गया आपके ऑरा में, प्यार की एनर्जी आ गई, वो परमात्मा की एनर्जी है, तो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इंसिडेंट्स कभी होंगे ही नहीं जिंदगी में, आई कैन अश्योर यू दैट। बट कोई बात नहीं, अभी हम सीख रहे हैं, 100% ग्रैटिट्यूड में नहीं आ पाते, लेकिन कम से कम फॉरगिवनेस तो कर सकते हैं। अपने कमरे में अकेले आप बैठे हो, कोई सुन नहीं रहा आपको, आप मन से उनको सॉरी मांग सकते हो, हर वो आत्मा जो उसको मैं दुख दिया हो मन से सॉरी, और मैं उन सबको सॉरी देता, फॉरगिव करता हूँ। ये एक्टिविटी आप रोज करो, यू विल लव दिस डिफरेंस। जैसे जैसे आप फॉरगिवनेस मांगते जाओगे रोज, वैसे वैसे आपकी लाइफ सरल होती जाएगी, आपकी लाइफ पॉजिटिव होती जाएगी, आपके रिश्ते बदलते जाएंगे, आपकी ज़िंदगी सुधरती जाएगी, आपको अपनी लाइफ में चेंजेस दिखने लग जाएंगे। आज से इसको प्रैक्टिस शुरू करो, मैं कहती हूँ विद इन 2-3 डेज यू विल सी द मैजिक, और आप सबको मुझे वो मैजिक कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, बिकॉज ये सच में मैजिकल है। सो वीडियो हो गई है लंबी, 12 मिनट हो गए हैं, सो मैं आई टेक योर लीव, और नेक्स्ट डे यानी कल मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आती हूँ, नए वर्च्यू के साथ आती हूँ। ये स्मॉल स्मॉल हैबिट्स को प्लीज़ अपनी लाइफ में डालना शुरू करो, यू विल लव इट, आई अश्योर यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, हैव अ मैजिकल मैजिकल डे अहेड, बाय बाय।